हमारे पास आ चुका है दोस्तों धीरे धीरे Honor Pad X9 और ये वाले वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ Honor इंडिया में वापस आ चुके हैं। हमारे Realme के पापा माधव सेठ Honor में आ चुके हैं और साथ में Realme के बहुत सारे बंदे भी लेके आए हैं। मतलब कि भाई गेम इंडस्ट्री होने वाला। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था अपना करना तो Honor मेरा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था इंडिया में। क्या मस्त डिवाइसेस आते थे उनके, बीच में फिर कुछ दिक्कत हो गई। अब दे आर कमिंग बैक और आज हम लोग बात करेंगे इनके एक और प्रोडक्ट के बारे में, Honor Pad X9 विद फ्लिप कवर। बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली आपको खोल कर दिखाते हैं कैसा है ये पैड। डब्बे के अंदर एक और डिब्बा। भाई कवर देना बड़ी बात होती है, कोई कंपनी नहीं देती है। मैट है भाई, मैट है, महंगा भी लग रहा है। इसके पीछे ऐसे ये ऐसे ऐसे भी हो जाता है। और ये रहा बॉक्स एक्चुअल वाला, Honor ने लिखा हुआ यहाँ पे कम्स विद गूगल ऐप एंड गूगल क्रोम। उनको बताना पड़ रहा है कि हाँ भाई हम असली वाला एंड्रॉइड दे रहे हैं। गूगल ने साथ छोड़ दिया था इनका, लेकिन अब साथ ऐसे पकड़ लिया है। बैक टू प्रोडक्ट, ये है दोस्तों Honor Pad X9 और इसके अंदर वो फीचर्स मिलेंगे आपको जो इस प्राइस के टैबलेट में आपको देखने को नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात, ये काफी बड़ा टैबलेट है, 11.5 इंचेस का है और इसके अंदर 6 स्पीकर है, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ और 2 राइट साइड में, जो बॉटम बन जाएगा अगर आप कवर के साथ ऐसे यूज करोगे। तो अब टैबलेट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से भाई ऑन होती बोलता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। बॉक्स में एक और बॉक्स जिसके अंदर केबल है, चार्जर हमारा भुला गया है दोस्तों, लेकिन आपको टाइप सी केबल मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है, और पेपर डॉक्यूमेंट्स। वैसे कवर की जो फिटिंग आई ना बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, पूरा जो आपको टैबलेट है मेटल बिल्ड के साथ आता है, अच्छी क्वालिटी का फील होता है और इसको आप कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हो। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तरीके से डाल रखा है इन्होंने। फ्रेम भी भाई मेटल का ही है। सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलेगा आपको यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा Honor का यहाँ पे मैजिक ओएस 7.1 मिल रहा है और इसके आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलने वाले हैं, लेकिन उतने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं, आप सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हो। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है और यहाँ पे वॉलपेपर का कलेक्शन देख सकते हो। मुझे तो ये वाला बहुत मस्त लग रहा है, इसको ब्लर भी कर सकते हो। इसको लगा देता हूँ, अब काफी कूल लग रहा है ये। तो ये सारे वॉलपेपर आपको डाउनलोड करने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहां से क्लिक करो और डाउनलोड करो। और अगर टैबलेट को आप आउटडोर में यूज करोगे, सेम वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं और डिस्प्ले की ब्राइटनेस फुल है, बहुत शार्प डिस्प्ले फील होती है, यहाँ पे कोई भी ब्राइटनेस का इशू नहीं है, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले कर रहे हैं हम लोग, बेजल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। टैबलेट का मैक्सिमम आउटपुट आपको 1080p 60fps मिलने वाला है। वैसे ये डिस्प्ले आपको 2K डिस्प्ले है और अगर मैं आपको टिल्ट करता हूँ डिस्प्ले तो यहाँ पे बिल्कुल भी कलर शिफ्ट नहीं है, बट यहाँ पे हाई क्वालिटी वीडियो प्लेबैक सपोर्ट नहीं है जो कि डेफिनेटली होना चाहिए था। और इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो मस्त मक्खन स्क्रॉलिंग होती है इसमें। आउटडोर में इतना ब्राइट इसलिए था क्योंकि ये डिस्प्ले 400 निट्स की है। और दोस्तों इसके 6 स्पीकर्स, वो पहले इंडोर में चेक करते हैं, तगड़ा है, थोड़ा अच्छे काम जाते हैं। तो ये थी इंडोर क्वालिटी और ये है आउटडोर क्वालिटी। आउटडोर के हिसाब से बहुत लाउड है। तो एक बार इसके स्पीकर को कंपेयर करते हैं मैकबुक से, क्योंकि मैकबुक के स्पीकर सबसे ज्यादा तगड़े माने जाते हैं। ये स्पीकर है मैकबुक का, वॉल्यूम फुल। Honor Pad X9 डेफिनेटली पैड X9 ने अच्छा कॉम्पिटिशन दिया, ज्यादा लाउड भी है, क्वालिटी और बेस है वो थोड़ा मैकबुक में ज्यादा है। भाई मैकबुक 1,30,000 का भी तो है, ये 16,000 रुपए का, उसके हिसाब से बताऊं बेस्ट स्पीकर वाला टैबलेट है ये, जिसके अंदर कोई भी 3.5mm का गड्ढा नहीं मिलता है आपको। कैमराज के बारे में बात करते हैं, देखो भाई टैबलेट का कैमरा काफी डिसेंट सा होता है और इसकी भी कहानी सिमिलर है। 5 मेगापिक्सल कैमरा आपको रियर में है और 5 का है आपको फ्रंट में, बट भाई कैमरा सेंसर क्या बड़ा सा बनाया इन्होंने। कैमरा देख लेते हैं भाई, मेरे पत्ती इतनी सूखी हुई लग नहीं रही जितनी सूखी इसके अंदर दिख रही है। ये वाला फुल कैप्चर करते हैं और इसके अंदर आपको डिफरेंट फिल्टर्स भी हैं और यहाँ पे आपको 3-4 फीचर्स हैं, जैसे QR कोड स्कैनर है इसके अंदर, ये बहुत मस्त काम करेगा आपके लिए। और अगर सेल्फी लेते हैं, ऐसे सेल्फी लोगे मस्त आएगी, एक बार पेड़ के साथ ले लेते हैं और टैबलेट से वीडियो बन जाएगी। दोस्तों ये वाली वीडियो आप देख रहे हो Honor X9 के सेल्फी कैमरा से, आवाज कैसी आ रही है, वीडियो कैसी आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि काम चल जाएगा आपका अगर आप इससे जूम कॉल करोगे। एक बार इसको लेके इंडोर में चले जाते हैं। क्या हाल चाल है दोस्तों, अभी तो लाइट यहाँ बहुत तगड़ी है ना, तो क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर लेगा। फोटोज की बात करते हैं, सेल्फी कैमरा इसका अच्छे कलर्स निकाल लेता है भाई, क्वालिटी ठीक ठाक। और जिसका रियर कैमरा वो बहुत ज्यादा बेकार है मेरे हिसाब से, इसके अंदर कलर्स एकदम वाइब्रेंट नहीं है और क्वालिटी भी ठीक ठाक सी मिल रही है। मतलब ये है इसका सेल्फी कैमरा मस्त है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है टैबलेट्स के अंदर। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 685, गेमिंग भी मस्त होने वाली है तो अभी कर लेते हैं। और भाई गेम में वॉल्यूम देख रहे हो, मजा आ जाएगा। ग्राफिक्स यहाँ पे आपको स्मूथ पे, हाई, HD पे, और HD ऑप्शन नहीं है भाई, बैलेंस पे मीडियम, बस बहुत एवरेज। आज ऐसे रखे खेलते हैं। True है भाई, true है। बड़ी डिस्प्ले, मजा तो आ रहा है गेम खेलने में और कोई भी लैग वैग नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्राफिक्स है भी नहीं इसीलिए।
ऐसा करते हैं इसका कवर निकाल के खेलते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस है 6.9 इंच। भाई काफी पतला है, अब ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। ओ भाई छुप के मार रहा है। तो गेम खेलने में डिफरेंटली आपको मजा आने वाला है, बट बीजीएमआई जो है प्लेएबल एक्सपीरियंस रहेगा। आपको टेम्पल रन और सर्वे सफर खेलना है और कैंडी क्रश खेलना है, मक्खन मजा आएगा। और वही सब गेम खेलते हैं टैबलेट पे, टाइम पास ज्यादा होता है ट्रैवल करते टाइम, दोनों पे तो खेलता है टैबलेट पे कैंडी क्रश। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑनर पैड एक्स 9 के अंदर टैबलेट वाले सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ से बैक करके प्रेस एंड होल्ड किए रहोगे तो यहाँ पे क्विक विंडो खुल जाएगा, जहाँ से आप क्विकली एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन भी खुल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम दो एप्लीकेशन चलेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हो, अगर इस वाली लाइन को आप स्लाइड करते हो तो रिसेंट एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे यो सजेशन भी है, ये ऑनर का AI फोल्डर है जो रिकमेंड करता है कौन सा एप्लीकेशन आपको कब यूज करने है। और जब भी कोई डॉक पे आप कुछ भी लिख रहे हो तो पोर्ट्रेट में लिखने में आसानी होती है, और ये वाला कीबोर्ड ऐसे स्प्लिट भी हो जाता है, इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो। और जब आप रिसेंट एप्लीकेशन में जाओगे तो कुछ कुछ एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली स्मॉल विंडो में खोल सकते हो। परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ पे आप आंतुतु का स्कोर देख सकते हो, 281,000 का स्कोर है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। और अगर बैटरी के बारे में बात करें, 7,250 mAh की बैटरी है। भाई बैटरी नहीं बैटरा कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि सिम सपोर्ट तो है नहीं इसके अंदर, तो नेटवर्क वाला सारा बैटरी कंजप्शन खत्म। लेकिन अगर आप इंडोर में यूज कर रहे हो और आपने ब्राइटनेस को 50% के अराउंड रखा हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बैटरी एक्सपीरियंस आएगी आपको। और ऑनर का जो मैजिक OS है ये बहुत ज्यादा बैटरी इफिशियंट होता है, प्रीवियसली मैंने जितने भी ट्राई किया है। और अगर मैं कंक्लूड करूं ऑनर पैड X9 को 16,000 रुपए के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। स्पीकर इसके अंदर ओके की डिस्प्ले है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, काफी बड़ी 11.5 इंच की डिस्प्ले मिल रही है आपको, और जो कैमरा है नॉर्मल जूम कॉल पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी ठीक है। तो डेफिनेटली इसको मैं रिकमेंड आराम से कर सकता हूँ। जाओ जाके ऑनर का भाई पैड X9 लो, अगर आपका बजट है 15,000 के राउंड एक टैबलेट लेने का। और इस वीडियो को लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।